हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की एक न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे बजाज की न्यू अपकमिंग 220F के बारे में, जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत जल्द बजाज लॉन्च करने वाला है। जैसे कि इस बाइक की मैं आपको बता दूं, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बजाज के शोरूम में बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इस बाइक का न्यू मॉडल जो है जल्दी आने वाला है। ऑलरेडी आपको पता है कि बजाज 220F अपने टाइम की एक लीजेंड बाइक रही है। बहुत सारे लोगों ने इस बाइक को पसंद किया था और बाइक को काफी ज्यादा परचेस भी किया गया था। बाइक के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन और स्टाइल देखने को मिलती है। ओवरऑल बाइक का सेमी स्पोर्ट टाइप का लुक देखने को मिलता है आपको। लुक, डिजाइन, ग्राफिक्स काफी ज्यादा यूनिक थे इस बाइक के। साथ ही बाइक के अंदर पावर भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती थी। बजाज ने इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर 2007 में लॉन्च किया था, काफी अच्छी न्यू कलर स्कीम के साथ। और दोस्तों अब जो है बजाज 220F कमबैक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में करने वाली है। इस बाइक को अपग्रेड कर बजाज जो है जल्दी ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। ये बाइक कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर आएगी, इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर अपग्रेड देखने को मिलेगा, क्या बाइक के अंदर आपको न्यू देखने को मिलेगा, साथ ही बाइक के प्राइस आपको क्या देखने को मिलेंगे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, वो सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। दोस्तों काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के लुक, डिजाइन और स्टाइल के बारे में। तो दोस्तों बाइक के अंदर आपको लुक सेम आपको यही देखने को मिलेंगे जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं। ग्राफिक्स भी आपको एज इट इज यही देखने को मिलेंगे। ओके, बाकी दोस्तों बाइक के अंदर जो लाइक फ्रंट में विंड वाइजर आपको देखने को मिलता था वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। साइड पैनल बाइक के इंक्रीज कर दिए गए हैं। ओवरऑल बाइक को थोड़ा सा बल्की कर दिया गया है जिसकी वजह से लुक बाइक का थोड़ा बल्की लगे, अग्रेसिव लगे, बिकॉज ये जो है स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। लेकिन जो लॉन्च हुई थी तो इस बाइक के अंदर आपको सेमी स्पोर्टी टाइप का लुक देखने को मिलता था। आपको इस बार आपको थोड़ी सी बल्क के साइड पैनल देखने को मिलेंगे, विंड वाइजर आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। वहीं बाइक के लाइक जो ग्रैब रेल के साइड में जो साइड पैनल होते हैं बाइक के, वो भी आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेंगे। दोस्तों बाइक के लुक, डिजाइन और स्टाइल के अंदर आपको जो है थोड़े से बल्कि पार्ट्स देखने को मिलेंगे, बड़े पार्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं बाइक के अंदर आपको प्रीमियम कलर स्कीम ऑफर की जाएगी जो कि लाइक ओल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इस बार आपको डिफरेंट कलर स्कीम आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं आपको बता दूं बजाज की तरफ से इस बाइक की बुकिंग जो है स्टार्ट हो गई है, तो ये तो क्लियर हो गया है, कंफर्म हो गया है कि बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लाइक मार्च या अप्रैल के मंथ में ही लॉन्च कर सकता है बजाज। बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल फीचर्स में क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। बाइक के अंदर आपको DLLs भी देखने को मिल जाएंगे इस बार। वहीं बाइक के अंदर टर्न सिग्नल लाइट आपको LED देखने को मिलेंगे या हेलोजन देखने को मिलेंगे। इसका कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बाइक के अंदर इस बार आपको LED इंडिकेटर ऑफर कर दे बजाज। बाकी बाइक के अंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको न्यू चेंजेस देखने को मिल सकता है। डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले सारे कनेक्टेड फीचर भी आपको ऑफर देखने को मिल जाएं इस बाइक के अंदर। लेकिन दोस्तों कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। टेल लाइट आपको बाइक के अंदर LED देखने को मिलेगी। फ्रंट में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि बाइक के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके, इस बाइक की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप शोरूम में बजाज के जाके कंफर्म करेंगे तो आपकी वो बुकिंग रिसीव कर लेंगे और आपको ये बाइक जब लॉन्च होगी जब ही आप इस बाइक को लाइक परचेस कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं बाइक की। बाकी बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। बात करें पावर के बारे में तो बाइक के अंदर आपको वही सेम एज इट इज़ 220cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर 21 PS की देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको लाइक इंजन जो है टॉर्क जनरेट करेगा 19 Nm का, जो कि ओवरऑल बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिल जाती है। साथ ही बाइक के अंदर टॉर्क भी अच्छा देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से बाइक का इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको लाइक 220cc की बाइक है, 5-speed गेयरबॉक्स ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल बाइक के फ्रंट में आपको वही कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे। रियर पार्ट में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको इजीली बाइक जो है आपको 35-40 KMPL का माइलेज प्रोवाइड करा देगी। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी माइलेज के साथ आपको पावर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी ऑफर कर सकता है बजाज, लेकिन ये दोस्तों कोई क्लियर नहीं है, अभी कन्फर्म नहीं है। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। इस बाइक के टायर जो हैं ओल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग आपको थोड़े से वाइड देखने को मिल सकते हैं। फ्रंट में आपको 90x90 का टायर देखने को मिलेगा
120x80 का टायर रियर में देखने को मिल सकता है, ओके। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको 4 वॉल्व देखने को मिल जाएंगे, तो बाइक के अंदर पावर आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाइक के अंदर आपको फ्रंट में 280mm के सिंगल डिस्क, रियर में आपको 230mm के सिंगल डिस्क देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी बता दिया मैंने, सिंगल चैनल ABS आपको बाइक के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि फरवरी से लेकर मार्च के अंदर कभी भी बजाज इस बाइक को लॉन्च कर सकता है, बिकॉज बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि बाइक जो है कभी भी लाइक 1 या 2 मंथ के अंदर लॉन्च कर सकता है बजाज, ओके। इस बाइक के प्राइस आपको 1,35,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल आपको 250cc की या 200cc की बाइक देखने को मिलेगी, जिसके प्राइस आपको 1.5 लाख से कम देखने को मिलेंगे ऑन रोड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑलरेडी आपको पता है कि 155 एंड 160 एंड 200cc की बाइक जो है आपको 2 लाख के आसपास देखने को मिल रही है, 2 लाख से भी ऊपर की आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बजाज इस बाइक को जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के साथ लॉन्च करने वाला है जल्दी। 225 बजाज पल्सर का कौन कौन वेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कौन कौन इस बाइक को परचेज करेगा, ओके। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, एंड आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।